इधर लास्ट क्लास में, इधर लास्ट क्लास में 9.4 का कहां तक हुआ था, तो 18 तक हो चुका था। तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद हम लोग आज चालू करेंगे होमोजीनियस। चलिए देखिए, लाइए तो होमोजीनियस दो ही को बचा हुआ है, एक दो को टॉपिक बचा हुआ है, एक होमोजीनियस और दूसरा है जो कि लीनियर, जो सेपरेशन मेथड से नहीं बनेगा, जो सेपरेशन से नहीं बनेगा वो होमोजीनियस है, और जो होमोजीनियस से नहीं बनेगा वो क्या से बनेगा, लीनियर से बनेगा। देखिए तो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। उन्नीस, ए सुनो, क्वेश्चन लिखवा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं द बॉल 1990, ध्यान दीजिए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल, ए लड़का द वॉल्यूम नहीं, सुनिए क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बींग्स इन्फ्लेटेड चेंजेड एट ए कॉन्स्टेंट रेट। इधर कोई कोई वॉल्यूम है स्फेयर का, वो है जो कि क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफ इन बे इफ इनिशियली था ना उसका रेडियस 3 यूनिट था, तो वो बाद में बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखिएगा और क्या क्या चेंज हो रहा है, तो लिखिए लेट, लिखिए लेट, लेट बी बी द वॉल्यूम, लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून ऑफ एट एनी टाइम टी, ऑफ नहीं, एट एट एनी टाइम टी, ठीक है। चलिए देन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यू, कोई वॉल्यूम है टाइम टी में है जो कि चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि दिया हुआ है आपको क्या, गिवन में, इधर गिवन में दिया हुआ है ना कि वॉल्यूम है जो कि चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, यहां वाला पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट, तो कोई कांस्टेंट के साथ चेंज कर रहा है, यहां कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिए, के मान, क्या मान लो, के। चलिए बोलिए, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको दे दिए, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, डी बी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू, अब बाई में डी टी इक्वल टू के, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे 4/3 पाई का हुआ नहीं, इसमें पावर आगे आ गया, एक घट जाएगा, अब अंदर गए पावर के, तो ये क्या डी आर बाई में डी टी इक्वल टू के, थ्री गया, तो यहाँ क्या, अब क्या बोला जाता है, सेम सेम एक तरफ, तो पूरा आर वाला है, आर वाला को इधर रख लो, ये डी टी है तो उसको इधर भेज दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर डी आर,
इक्वल टू के डी टी। अभी तक डीवाई डी एक्स कर रहे थे, अब है जो कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम में क्या चेंज हो, 4 पाई कर लो यहाँ, ठीक है। अब बोलिए इधर सेम एक तरफ कर दिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अभी तक क्या कर रहे थे, वाई वाला एक्स वाला अलग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम स्फीयर का, तो उसमें क्या चेंज होगा, तो रेडियस ही ना चेंज होगा, तो रेडियस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। फिर से समझा देंगे, एक बार लिखिए ना, हाँ बोलिए इधर इधर। 4 पाई का हुआ नहीं, आर स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन में पावर जुटता है, तो क्या हो जाएगा, आर क्यू बाई मेथिन, ठीक। यहाँ जी के का होगा नहीं, तो के टी प्लस सी, इसको 1 किए, इसको क्या कर लिए 1। अब यहाँ से कहानी है, समझिएगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ में गलती से आ गया है, फिर से एक बार बोल दे रहे, इधर इधर फिर से एक बार मिला लो शुरू से। लेट भी वी द वॉल्यूम, आर छूट गया था, आर वी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, कुछ दिक्कतें नहीं है, एट एनी टाइम टी, तो वॉल्यूम दे दिया, आ गिवेन में दे दिया था, ये गिवेन में है, क्या में है, गिवेन में, तो गिवेन में कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है कितना, कांस्टेंट रेट से, तो वॉल्यूम मेरा दिया हुआ था, तो वॉल्यूम लिख दिए, उसको डिफ्रेंशिएट किए, सेम को एक तरफ किए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या देखना, फिजिक्स का क्वेश्चन है या नहीं, आप ही लोग बोलिएगा। देखिए इनिशियली मैंने क्या, टाइम क्या हुआ होगा, जब इनिशियली रेडियस उसका 3 यूनिट था, शुरू में उसका रेडियस कितना था, 3 यूनिट, तो बोलिए व्हेन टाइम क्या था सर, 0, तो रेडियस कितना था, 3 यूनिट, पुटिंग इन, हमको के और टी सी का वैल्यू निकाल कर ही मैं पुट करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए आर का वैल्यू 3 रखेंगे ना, तो 27 को 3 से इंटू कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 9, तो 9 को 36 लिख दे, कैसे लिखे रहने दो, एक लाइन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 3 का क्यू, यहाँ टाइम कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। अब ये क्या, ये 3 से एक 3 चला जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 4 को 36, तो ये क्या, 36 पाई इक्वल टू सी। अब सी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ पर इक्वेशन वन में जल्दी यहाँ तक आइए, पुटिंग सी इक्वल टू 36 पाई इन इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यू बाय में 3 इक्वल टू के टी प्लस 36, इसको 2 किए, इसको क्या कर लिए, 2। अब आगे सुनिएगा, आगे क्या कह रहा है, आफ्टर थ्री सेकेंड 3 सेकेंड के बाद रेडियस कितना हो गया, 6 यूनिट, तो जहाँ आफ्टर 3 सेकेंड तो 3 सेकेंड, तो अब टाइम कितना रहेगा, 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 ना, तो चलो यहाँ तक हो गया, इधर लिख लिया है, इधर जल्दी कीजिए, लिखे वेन करके लिखिए, यहाँ इधर बोलिए वेन टाइम कितना, 3 सेकेंड
a radius 6 unit putting in equation 2. चलिए रखिए यहाँ, अभी के नहीं ना निकला है, के भी तो कांस्टेंट है. चलिए बोलिएगा 4 पाई आर के जगह पर 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब बाई में 3 और टाइम कितना हो जाएगा जी 3 के. बोलिए इसको कीजिएगा तो 216 ये कितना 216 और 216 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 72 होगा ना. तो ये कितना 4 पाई 72 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस. बोलिए ये 72 को 4 से 288 तो 288 पाई माइनस 36 कितना 52 200 कटेगा कितना 8 3 24 एक बचा 4 तो के बराबर 84 पाई. अब के का वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुटिंग के बराबर 84 पाई इन इक्वेशन 2. बोलिए 4 पाई के जगह पर यहाँ तक. अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस. अब क्या चाहिए, रेडियस चाहिए कब, जब टाइम कितना रहेगा टी. तो टी मान के चलिए टी नहीं है, टी के जगह पर क्या कर लीजिए, ये तो टी हम लोग पहले ही ना माने हुए हैं. तो यहीं से है जो कि आर का वैल्यू निकालना है, यहीं से किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है जब टाइम क्या है टी. चलिए तो टी टाइम टी दिया हुआ है तो आर का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है तो आर बराबर क्या होगा बोलिएगा, इधर हटाए तो देखिए आर का वैल्यू यहाँ से निकालिए. हाँ जी कुछ कॉमन करोगे क्या, बोलो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है यहाँ, ऐसे तो हो रहा है 24 तो यहाँ मैं 12 हो रहा है, 12 नहीं करते हैं, 4 ही कर लेते हैं, 4 पाई कॉमन कर लेते हैं कितना 4 पाई. तो 4 पाई कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, 4 पाई और बाई 3 और ये क्या आर क्यू, और यहाँ से 4 पाई कॉमन किए तो 4 पाई कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये 4 पाई कॉमन कर लीजिएगा तो ये कितना 9. तो 4 पाई से 4 पाई गया ना, आई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो आर क्यू 3 इधर आ जाएगा तो 3 से इंटू कर लो तो 63 प्लस 27 इधर क्यू है तो इधर जाएगा तो रूट क्यू हो जाएगा ना, तो आर इक्वल टू क्या ए इतना यूनिट. गलत है या सही है अभी बात करते हैं हम लोग. चलिए इधर प्रूफ कर देते हैं कि तुम गलत हो या सही है. चलिए टाइम कितना रहेगा 0 तो रेडियस 3 चाहिए. चलिए टाइम 0 तो ये 0 तो 27 का क्यू करोगे तो 3 आ जाएगा तो आर 3. अब चलो ये वाला प्रूफ करते हैं, रेडियस कितना, रेडियस के टाइम कितना 3 तो 6 आना ना चाहिए तो 3 रखोगे तो 63 को 3 से करोगे ना 189 आई 189 होगा 1
89। अच्छा 189 में इसको जोड़ दो तो 216, और 216 का क्यूब करोगे तो 6 आ जाए, तो गलत नहीं। चलिए जल्द समझ के उतारिए, और हो जाए तो 20 पढ़िए। फिर से रिकैप कर दें, रिकैप में सिंपल था कि दिया हुआ जैसे जैसे हम सॉल्व करते गए हैं। सुनिएगा इधर इधर, क्वेश्चन नंबर इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों सेम है, समझने का कोशिश करना। आइए ये एग्जाम्पल नंबर 14 से मिलता जुलता है, 14 से मिलता जुलता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तो बोलिए फिर से बता देंगे। पढ़ें, एक 20 और 21 एक जैसा है, ध्यान देना बैंक से रिलेटेड है। इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। कोई बैंक है जो मेरा प्रिंसिपल जमा किए हैं ना, हम कुछ पैसा उसमें जमा किए हैं, वो 8% के रेट से, रेट नहीं मालूम है, पर ईयर मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने मेरा जो पैसा, ठीक है, एट ए टाइम जो जमा किए थे। द फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालना है कब, इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन ए 10 ईयर। 10 साल में मेरा 100 रुपया डबल हो गया, यानी कि 100 रुपया का कितना हो गया, 200 हो गया। तो मेरा 100 का 200 हो गया, तो क्या क्या दे दिया है? इधर ए क्या क्या दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है 100 रुपया शुरू में, और कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, कब, 10 साल के बाद। तो मेरा रेट, बैंक हमको किस रेट से इंटरेस्ट दे रही है वो निकालना। चलो इस पर एक कहानी है, ए इधर बैंक है ना, जब जैसे ही पैसा जमा करने जाते हैं ना आप बैंक में, आप पे फिक्स करते हैं, तो उसी समय 10 साल का इंटरेस्ट वो आपको कलेक्ट करके बता देता है कि 10 साल के बाद हम आपको इतना देंगे। हाँ, अब साल भर के बाद आप जाके निकाल लीजिएगा तो वो किस रेट से देगा, जो आपका रेट अभी चल रहा है ना उसी, या एट ए सेविंग अकाउंट कर देगा। इधर ज़्यादा नॉलेज है तो यहाँ आओ, तो सुनो मुंह बंद करके देखिए। इधर जब आप क्या करिएगा, अगर बीच में कभी भी निकालने जाइएगा पैसा तो वो फिक्स ख़त्म हो जाएगा, जो सेविंग अकाउंट के हिसाब से जो सेविंग रेट है ना, जैसे कि अभी जो चल रहा होगा उसी रेट से देगा। अब फिक्स वाला का होता है अलग हिसाब किताब रहता है, वो 10 साल का उसी एट ए टाइम मान के चलिए 6.1 है, तो 6.1 के हिसाब से 10 साल का आपका जोड़ के बता देगा कि 10 साल में आपका इतना इनकम होगा। क्लियर है? तो अब बीच में आप निकाल लिए तो वो ख़त्म, जितना दिन सेविंग वाला ख़त्म, जो सेविंग वाला चल रहा है नहीं देगा, इंटरेस्ट देगा, लेकिन कौन इंटरेस्ट देगा, जो मार्केट में अभी है जो कि सेविंग अकाउंट का जो चल रहा होगा वही इंटरेस्ट आपको देगा। क्योंकि फिक्स वाला होता है क्या है, वो पैसा को क्या करता है, यूटिलाइज करता है वो कहीं ना कहीं। आप बीच में निकाल लिए तो वो कहेगा कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं, मगर कौन वाला वैल्यू से रेट से देंगे, जो अभी सेविंग अकाउंट जो सेविंग का चल रहा है इंटरेस्ट उसी से हम देंगे बीच, समझे? तो वो एग्रीमेंट होता है उसमें, तो एक बार फिक्स हो गया रेट तो वो चेंज नहीं होगा। अब तू देखेगा क्या कि अरे अभी है ना, अभी है जो कि 5% है, अगला साल है जो कि खूब इंक्रीमेंट हो रहा है, खूब रेट बढ़ रहा है, तो सोचेगा कि ना हम एग्रीमेंट तोड़ना चाहते, तो तोड़िएगा तो आपका नुकसान, वो 10 साल का आपका बॉन्ड फिक्स हो गया, पता है ना, तो वो रेट चेंज नहीं होगा। बीच में आप कितनों, अब किसी के यहाँ मान के चलो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, हम किसी को दे दिए 1000 रुपया दिए, चाहे कुछ पैसा दिए, और वो कोई बिजनेस किया और बोला था कि हाँ हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे पर मंथ या ईयर, मंथली ही देता है तो देगा। अब देख रहे हैं कि उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तब जाके उसको अगला महीना में कहें ना इतना रेट देगा तब हम तुमको देंगे, ना तो मेरा पैसा अभी के अभी वापस कर, तो हम तो उससे एग्रीमेंट करवाए थे, तो कहेगा कि देख भाई तू खुद एग्रीमेंट में लिखा, वो जा सकता है कहाँ,
पुलिस में भी जा सकता है, कहता है कि एग्रीमेंट आप करवाए थे ना 10 साल, तो वही हिसाब से ना देगा। आप डेली प्रतिदिन आप कहिएगा कि तुम्हारा बढ़ रहा है तो हमको भी बढ़ा के दो, ये नहीं ना होगा। एक बार जो फिक्स हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। उसी तरह से हाँ वो हम आपको जो हाँ आप डूब जाइए, हमको नहीं मतलब, बैंक डूब जाए हमको इतना चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल 100 रुपया था, तो शुरू में प्रिंसिपल को हम लोग पी ना मानेंगे, वो तो दिया हुआ है तो लास्ट में ना यूज होगा। जैसे टाइम और रेट दिया हुआ था तो शुरू में ही यूज कर दिए, वो सब लास्ट में। तो लिखिए लेट, क्वेश्चन नंबर 20 का, लेट पी बी द प्रिंसिपल, लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, देखिए कौन सा 20 और 21 सेम है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखवा है। लेट पी बी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर परसेंट पर ईयर। यहां तक में किसी को दिक्कत? चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी, अब आप ही लोग से सवाल जवाब होगा, जवाब दीजिए और कहानी चालू। हम बैंक में पैसा जमा किए तो यानी कि किस बैंक, तो प्रिंसिपल, तो मेरा पैसा दिन प्रतिदिन क्या होता है, इंक्रीमेंट करेगा ना, कि जिस दिन जमा करेंगे वही दिन इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं ना। तो पैसा जमा किए तो मेरा पैसा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो चेंज हो रहा होगा। और चेंज का मतलब डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, आर परसेंट किसका इंटरेस्ट, जो पैसा मेरा था उसी का ना। क्लियर? फिर से, मेरा पैसा चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे, तो मेरा पैसा पी था तो रेट के हिसाब से वो बढ़ा के दे रहा होगा ना। चलिए समझिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो टेंशन में रहिएगा। तो ये क्या, अब क्या सेम एक तरफ आर वाला एक तरफ पी वाला एक तरफ, तो बोलिए इसको इधर इसको इधर, तो ये डीपी बाई में पी, ये क्या हो जाएगा, रेट बढ़ेगा घटेगा नहीं ना, क्या क्या हो सकता, बढ़ता है घटता है, टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। रेट कभी बढ़ता घटता नहीं, एक बार बॉन्ड पेपर पर लिखा गया वो फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब डेली रेट ही बढ़ने लगेगा घटने लगेगा तो बैंक है जो कि टेंशन में आ जाएगा कि इसका कुछ रेट से हम दे रहे हैं, वो डेली उसी का चेक करते रहेगा, तो एक फिक्स होता है। चलिए किसके रिस्पेक्ट में, अब दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जल्दी बोलिए कितना होगा, लॉग लॉग पी
जी ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये डी आर बाई में 100 इंटू टी, प्लस सी लिखो, प्लस सी लिखो या लॉग सी लिखो, कोई दिक्कत तो सी ही लिखिए। कोई कहेगा कि सर लॉग सी क्यों लिखिएगा, हाँ दो सब लॉग में तो लॉग में लेकिन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्लस रहता तो इधर जाता तो डिवाइड में हो जाता, माइनस में, माइनस का मतलब डिवाइड में, पूरा एक तरफ हो जाता। चलिए रहने दीजिए, आप ही लोग का बात मानेंगे, यहाँ तक क्लियर। अब आपसे सवाल जवाब करेंगे, जवाब दीजिए, आंसर देना चाहते हैं, यहाँ तक में दिक्कत है पहले ही बोलो दिक्कत। अब क्या सुनिए सर, इनिशियली बैंक में पैसा जमा करने गए तो उस समय टाइम क्या था, जीरो। तो क्या आप कितना जमा किए थे, 100 रुपया, बढ़ेगा ना ना, तो बोलिए व्हेन टाइम जीरो तो कितना पैसा जमा किए थे, 100 रुपया, 100 रुपया ना, 10 साल के बाद ना डबल हुआ है। पुटिंग इन व्हाट बोला जाए सर, पी के जगह पर 100 तो लॉग 100 टाइम जीरो तो ये पूरा जीरो, तो सी निकल गया। अब सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पुटिंग सी इक्वल टू लॉग 100 इन इक्वेशन 1 बात कीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो इधर इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और लॉग माइनस में रहता है तो क्या में हो जाता है, डिवाइड में। तो क्या लिख दें इसको, लॉग पी बाई में 100 या आर टी बाई में 100। किसी को दिक्कत, दिक्कत अब बोलिए सर, अब बात कीजिए आप लोग। अब टाइम कितना, 10 साल के बाद गए बैंक में, शुरू में बीच में चेक करने नहीं गए, 10 साल के बाद गए, पैसा मेरा क्या कर दिया, डबल। डबल मैंने 100 रुपया था तो 200 करके ना देगा, चलो यही 21 में भी था, 21 में रेट दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम चाहिए। ध्यान दीजिए, बोलिए ए व्हेन टाइम 10 इयर्स तब पैसा कितना हो गया, 200, डबल ना बोला है तो पी आपका 200। पुटिंग इन इक्वेशन 2, चलिए 2 में रख रहे हैं सर, बोलिएगा तो लॉग पी, पी का वैल्यू 200 बाई में आर कितना, आर नहीं मालूम है, और टी के जगह पर 10, बोलिए सर तो ये 2, लॉग 2 का वैल्यू बुक में दे दिया है, लॉग 2 का वैल्यू दे दिया है, कितना है सर, 0.6931 इक्वल टू आर बाय 10, आर बाय 10 तो इंटू में डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में, तो एक अंक के बाद इधर आ जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 6.9। किस रेट से बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, 6.931%। अभी अभी चा ठीक ठीक 21 पढ़ लिया जाए, 21 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। ए सेम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, 21 नंबर इन ए बैंक
प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट पर ईयर, 5% इंटरेस्ट बैंक दे रही है ठीक है पर ईयर, द अमाउंट ऑफ 100,000 rupees इज डिपोजिटेड विथ दिस बैंक, उस बैंक में हम 1,000 rupees जाके जमा किए, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद वो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है कि 10 साल के बाद मेरा कितना हो जाए, टाइम भी दे दिया और रेट भी दे दिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है ठीक है। दम सेम एग्जाम्पल नंबर दम सेम कॉपी पेस्ट है जो कि 40 से मिलता जुलता है, लिखिए दम सेम लिखिए, लेट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 लिखो ना, बोल रहे हैं लेट पी बी द प्रिंसिपल, लेट पी बी द प्रिंसिपल, लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर ठीक है सर, 5% पर ईयर, चलिए बोलिए आपका पैसा क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो चेंज ना कर रहा होगा तो किस रेट से, 5% क्या चालू हो जाए, पील जो दिया हुआ लास्ट में ना, क्या कर ले पी को इधर भेज देते हैं इसको इधर, इंटीग्रेटिंग ऑन चलिए इंटीग्रेट कीजिए फास्ट, तो सेम है दम कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए इंटीग्रेट कीजिए, तो चलिए डीपी हाँ बोलिएगा, इधर इधर लॉग पी इधर 1/20 टी प्लस सी, वन कर लिए, अब बोलिए सर शुरू में गए पैसा लेकर, क्या पैसा बढ़ा देगा बैंक, तो टाइम का क्या था 0, पैसा कितना, कितना लोग 1000 लिखता है, कितना लोग पी नॉट लिख देता है, पी नॉट लिख देता है डबल का लिख देता है कितना साल में पी वन, तो पी 1000 लिखे पुटिंग इन इक्वेशन 1, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिएगा, हाँ कितना पी के जगह पर 1000 तो लॉग 1000 पूरा 0 हो जाएगा ना, ये कितना सी का वैल्यू, सी इक्वल टू लॉग 1000 इन इक्वेशन, बोलिए रख दिए 1000
लॉग 1000, हाँ जी, डिवाइड में, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, लॉग माइनस में आता है तो क्या में हो जाता है, डिवाइड में, तो पी बाई में, अब क्या कह रहा है, 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद तो टाइम में कह रहा है कि कितना पैसा हो जाएगा 10 साल के, मान के चलते 10 साल के बाद मेरा P1 हो जाएगा, इन्हें ना कह रहा है कितना हो जाएगा, तो मान के चलते हैं कि 10 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा, P1 लिखिए, वेन टाइम कितना, 10 ईयर, मेरा पेमेंट कितना हो जाएगा, P1, 10 साल के बाद मेरा पैसा क्या हो जाएगा नहीं मालूम है, तो मान के चलेंगे कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो वो P1 मान लिए, पुटिंग इन इक्वेशन टू बोलिए, हाँ सर रखिए, तो लॉग P1 बाई में 1000, यहाँ क्या 1/2 20, हाँ जी बोला जाए, इधर 1/2, जीरो पॉइंट फाइव, खुश, हाँ जी लास्ट क्लास में पढ़े थे आप लोग, यहाँ कुछ नहीं है तो ये छुपा हुआ है, तो क्या लिखिएगा, P1 बाई में 1000, तो E पर पावर 0.5, बोलिए हाँ या ना, बेस पर पावर इधर वाला, इसका वैल्यू दिया हुआ E पर पावर 0.5 का है ना, तो ये क्या कर ले, डिवाइड में इधर जाएगा तो तब P1 इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है जी, देखो तो 1.648, यही है ना, हाँ, अब सर इसको हटाइएगा तब P1 इक्वल टू 10 साल के बाद ये 1648 रुपया देगा, कब, जब इंटरेस्ट मेरा कितना था 5% था, तब कितना, जब 1000 रुपया जमा करेंगे तब, क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ये, चलिए सुनिएगा, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, कोई कल्चर मतलब हम खेती करते हैं किसी चीज का, तो मधुपालन होता है ना, मधुपालन का खेती करना उसका, तो उसी तरह से हम लोग है जो कि किसी तरह से अच्छा वाला बैक्टीरिया का हम लोग कल्चरिंग कर रहे हैं जिससे हमको फायदा है, दवा उवा बनाने के लिए उसका यूज, ठीक, तो 1 लाख था, गिने तो कितना, 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीजेस बाई 10% इन 2 आवर, 2 घंटा के बाद मेरा बैक्टीरिया का रेट 10% से बढ़ गया, यानी कि 1 लाख का 10% 1,10,000 हो गया, ठीक है, इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 लाख, कितना घंटा के बाद बैक्टीरिया का रेट है, यानी कि बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा, यानी कि 1 लाख दिया हुआ था तो वो डबल हो जाए, कितना घंटा के बाद, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज, ए सुनेगा, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर परजेंट,
जो अभी प्रेजेंट है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक ठीक पता चलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। बैंक ये सब इंटरेस्ट देता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता है, कंपाउंडेड देता है। हाँ चलिए लिखिए लिखिए, लेट इधर प्रेजेंट बैक्टीरिया को क्या मान ले, पी मान ले, लेट पी बी द नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया इन कल्चर एट एनी टाइम टी, लेट पी बी द नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया इन इन द कल्चर एट एनी टाइम टी। प्रेजेंट बैक्टीरिया का काउंट कितना किए हैं हम, पी है। ऐसे तो कह रहा है सब, कह रहा है कि 1,00,000 है, तो वो वैल्यू लास्ट में ना यूज होता है। समझिए सब बताया हुआ, एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन चल रहा है। ट्वेंटी थ्री जब क्वेश्चन 10 बता दे उसी समय बता दे। ए क्या माने हैं, पी माने हैं ना। चलिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, पढ़ रहे ये लास्ट वाला लाइन। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितना प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है, तो मेरा प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या है, पी, तो वो चेंज कर रहा है। पी ही ना है प्रेजेंट, ए प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या माने है, पी, तो बैक्टीरिया चेंज कर रहा है प्रोपोर्शनली, क्या किसके प्रोपोर्शनली, पी जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट बैक्टीरिया, प्रेजेंट ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या देते हैं, एक कांस्टेंट। जल्दी यहां तक आइए, दम है ना। प्रोपोर्शनलिटी इधर, ए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो जिसको मान लेते हैं कुछ भी, तो के मान लें, तो ये क्या डीपी, समझो के पी। अब कोई कहेगा कि के क्या है, तो बता देना के इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है चलिए, ए सेम सेम एक तरफ डीपी बाय में इंटीग्रेटिंग ऑन, इंटीग्रेट क्योंकि अभी कम है, कम से ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा मतलब क्या याद है, समेशन जोड़ने का काम करते हैं तब ना इंटीग्रेट करते हैं। अब कह रहा पहले था 1,00,000 था, 1,00,000 से 2,00,000 हो गया, तो बढ़ा ना, तो बढ़ रहा मतलब जुट रहा है, क्या हो रहा है जुट रहा है, और जुटता है तो क्या डिफ्रेंसिएशन करोगे। चलिए ये वाला हटा है ना, ए बोलना यार यहाँ टेंशन में हम हैं यार तू लोग। बोलिए लॉग पी एक ही पर बहुत सा क्वेश्चन हो गया, के टी प्लस सी बार बार यही आ रहा है। अब थोड़ा सा सुनो ना, 1,00,000 लिखने में अगर 0 अगर हमसे कम हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगा,
तो 1 लाख लिख के उसको हम लोग नाम दे देते हैं P1 चाहे P0, शुरू वाला रहता है वो P0। 1 लाख दिखाएंगे यहाँ लेकिन मेंशन कर देंगे। अब बोलो टाइम कितना, शुरू में गिनने गए जी तो जीरो, तो बैक्टीरिया कितना था P0, अब P0 का वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ। अब एक और जीरो कम हो जाएगा तो बाद में आप टेंशन में आ जाइएगा, इसीलिए P0 लिख लीजिए। और 2 लाख हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, P2 P0 पुटिंग इन इक्वेशन 1 ये हटा रहे, बोला जाए, बोलिए सर जल्दी जल्दी, लॉग P0 जीरो तो सी का वैल्यू आ गया, पुटिंग सी इक्वल टू, अभी मैं 2 घंटा एगो एक्स्ट्रा दे दिया है, वो टेंशन दिया है इन इक्वेशन 1 तो क्या चलिए जल्दी केटी जल्दी है, टेंशन ना ले यार, तू लोग हमको टेंशन दे रहा है, डिवाइड में बोलिए तो P/P0 KT इसको 2 कर लीजिए। अब टाइम दिया हुआ है, चलिए इधर, अब 2 घंटा के बाद हम गए ना गिनने, कहाँ के बीच में गिनिए, बढ़ रहा है कि घट नहीं रहा, घट रहा है कुछ प्रोग्रेस है, तो 2 घंटा के बाद हम गए तो पता चला कि कितना हो गया है बैक्टीरिया, 10,000 बढ़ गया है। टाइम कितना, वेन टाइम 2 आवर, तो बैक्टीरिया का कितना काउंट कर ले, तो 1,10,000 को कितना लिखोगे, तो ऐसे लिखेंगे 1 लाख को तो तू P0 लिखा है, तो P0 प्लस P0 का 10%, अरे टोटल कितना, तो 1,10,000 बोल रहा है ना रे, तो कैसे निकलेगा, तो ये हो गया 1 लाख, आ इसका 1 लाख का 10% ऑफ 10% होगा ना, पुटिंग इन इक्वेशन सॉल्व करके बता रहे हैं तुम्ही को, चलो बोलो सर इसका करोगे ना तो ये P0, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 10 बटा 100 गया, तो 10 10 है 11 होगा ना, तो ये क्या लिखोगे 11 P0/10 वही 1 लाख, 1,10,000 हो जाएगा ये, क्लियर, तो पुट कर रहे हैं कहाँ इक्वेशन 2 में, अभी एक लाइन और चलेगा, ये मैं एक्स्ट्रा दे दिया है, एक बार बढ़ा दिया ये वाला, बोलिए सर, ए बोलना यार, P के जगह पर 11 P0/10 P0 और टाइम कितना 2K तब P0 गया और 2 इधर इनटू में था, इधर आया तो डिवाइड में, तो 1/2 लॉग 11/ के आ गया सर। अब के का वैल्यू पुटिंग के इक्वल टू 1/2 लॉग इन इक्वेशन 2 बोला जाए, समझ रहे हैं ना P0 कितना है, वहाँ मेंशन है, टी ठीक है, ये कर लिए 3, अब क्या हुआ सर, अब गए ना
कह रहा है कि कितना घंटा के बाद तुम्हारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया 200,000 हो गया, तो टाइम क्या था? डबल नहीं, टाइम कितना? T1। टाइम T1 था तब बैक्टीरिया का संख्या 200,000, तो 200,000 मतलब 100,000 को P0 बोला है, तो 200,000 को 2P0 बोलेगा, तो बोलो वेन टाइम चाहिए, तो टाइम तो मालूम है ही नहीं, तो टाइम क्या मान लिए? T1। अरे जैसे याद है कि पहले वाला में प्रिंसिपल को P1 माना था, आप बैक्टीरिया कितना 2P0, 200,000 मतलब 100,000 को तो P0 बोला है, तो 200,000 को 2P0 पुटिंग इन इक्वेशन, ये सब फिजिक्स में होता है सॉल्व। चलिए बोला जाए सर, बोला बोलिए बोलिए, यहाँ कितना पी के जगह पर 2P0 बाई में P0, तो P0 गया। टाइम कितना T1 इंटू में, हमको T1 चाहिए, तो बोलिए यहीं तक लिख दें क्या आ जाएगा एक लाइन में, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, आई इंटू में इधर तो डिवाइड में, तो क्या 2 log 2 यहाँ आ जा। बोलिए ए इधर, तो 2 log 2 आई इंटू में था इक्वल टू, इतना कर लेते हैं log 11 बाई में T0, हमको T0 चाहिए, तो ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 2 log 2 बाई में log 11 बाई में 10। देखिए सॉल्व किया है कि यही दे दिया बुक में, देखिए ना इतना आवर, देखिए एक बार टाइम वेस्ट का अलग करें हम, यहाँ जो है वही पर अगला हेडिंग दे दीजिएगा, अगला क्लास में आप लोग इसका एग्जांपल बना लीजिए, अगला क्लास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। अंदाजा करोगे तो log 2 का अभी देखे थे ना, 0.6 था, तो 2 से इंटू कर दोगे तो 1.2 आ जाएगा, 1.2, और फिर इसका वैल्यू है जो कि 0.1 है, तो 0.1 है तो इसका भी 0 point something वैल्यू आएगा, 0.0012 आएगा, तो ये किधर जाएगा लगभग, ये 1.2 बोला था तो 12 घंटा लगभग आएगा, 12 घंटा।